आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। भिंड कलेक्टर के निर्देशन में सभी मंदिरों पर कोविड-19 को लेकर सख्ती से पालन किया जा रहा है, जिसके तहत दबो के RI मुन्नालाल जामवरिया रेकुला देवी मंदिर पहुंचकर भिंड कलेक्टर के निर्देशन में चलाया रोको टोको अभियान। आपकी जन अदालत न्यूज पर सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर रेकुला देवी मंदिर पर बैठे सभी पुजारियों ने मास्क लगाकर कोविड-19 के नियमों का पालन किया। इसके साथ ही मां रेकुला देवी मंदिर पर आ रहे सभी श्रद्धालुओं ने मास्क लगाकर रेकुला देवी मंदिर के दर्शन किए। तो सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रेकुला देवी मंदिर पर कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। मां रेकुला देवी मंदिर समिति की ओर से सभी श्रद्धालुओं को विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि वो मास्क लगाकर ही मां मैया के दर्शन करें। तो इस मौके पर मुन्नालाल जामवरिया से सीधी बात की। क्या कहना है सर आपका इस संबंध में? माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार नवमी चालू हो गई है, इस कारण श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए बगैर मास्क के मंदिर में प्रवेश होना वर्जित है कोरोना महामारी को देखते हुए, और 5-5 लोगों की टोली बना के अंदर दर्शन करें, ऐसा श्रीमान माननीय महोदय का आदेश है। क्या रेगुला मंदिर पर सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है? हाँ, सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है। ऐसे में कई लोग बिना मास्क सोशल डिस्टेंस को देखते हुए मंदिरों में जो भीड़ लग रही है उसको देखते हुए आपने क्या प्रतिबंध किया है? मैंने सबसे पहले तो एक दिन पहले ही पूरे मंदिर को धुलवा के सैनिटाइज करवा दिया। उसके बाद प्रत्येक आने वाले भक्तों से कह रहा हूँ कि एक एक दो दो करके आएँ और सभी मास्क लगा कर जरूर आएँ। मैं प्रतिदिन 3 दिन पहले से ही आरती में आने वाले सभी भक्तों से बोल रहा हूँ कि नवरात्रि में थोड़ी भीड़ बढ़ती है, ये सभी लोग आएँ तो मास्क जरूर लगा कर आएँ, यहाँ पर बिना मास्क के आ रहे हैं। हाँ, मंदिर में जो दर्शन करने आ रहे हैं वो सभी मास्क लगा के आ रहे हैं? हाँ, अभी तो मास्क लगा के आ रहे हैं। और अपने रेकुला मंदिर के सभी भक्तों के लिए क्या संदेश है आपका? बस माता रानी के सभी भक्तों को यही संदेश देना चाहते हैं कि दर्शन करने आए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिल्कुल मास्क लगा कर जरूर आए, एक दूसरे से दूरी बना कर आए और माता रानी के दर्शन करें। ऐसा YouTube न्यूज चैनल है जिसके जरिए राजा भैया पाल अपने भिंड जिले की होने वाली खबरों को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको उनकी ये खबरें अच्छी लगती हैं तो कृपया उस चैनल को एक बार देखें। उनके वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। Stay home, stay safe.